जो हमारे शासक विधायक है ये हमारे, लेकिन कुछ दागेबाज लोग रहना है हमारे आदिवासी समाज हमेशा शांति। हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं राकेश कश्यप मामा आया की नगरी अंबिकापुर से आप सभी लोगों का आज के अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे गांधी चौक में जो धरना प्रदर्शन किया गया है आदिवासियों के द्वारा आरक्षण के खिलाफ। तो चलिए चलते हैं। 19 सितंबर से आज तक उनके मुंह से सुनकर काम नहीं हुआ, मैं तो बयान जारी नहीं कर पाए क्या हमारे आदिवासी समाज को हक अधिकार मिले। जब तक हम लोग को पक्ष पर आरक्षण नहीं मिलता है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और इस सरकार को छुपा के हम मानेंगे, ये हमारी प्रार्थना चाहिए। जो हमारे सांसद विधायक जो मंत्री थे वो खटिया टांग के घर में सो रहे थे और हमारे समाज के महापुरुषों ने कितने लाठी खाया, कितनों ने जेल गया, कितनों का हाथ पैर टूट गया, तब कहीं जाके हमको 2012 में आरक्षण दिया था। उसी प्रकार से आंदोलन धरना प्रदर्शन करते हुए हम 2022 में लेंगे, ये हमारा मिशन होना चाहिए। और हम आरक्षण नहीं देती है साथियों, मैं बताना चाहूंगा जो हमारे शासक विधायक है ये हमारे समाज के नहीं है, ये भाजपा कांग्रेस के एजेंट है। ये लोग अपना मुंह नहीं खोलेंगे, आदिवासी के बदौलत जाति प्रमाण पत्र लगा करके डीडीसी पीडीसी विधायक मंत्री बनने के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन ऐसे बोले लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, इनके ऊपर भरोसा करना मूर्खता है। आने वाले समय में ऐसे शासक विधायकों का आप सभी लोग बहिष्कार करें और पूछे, जब हमारा 32 बार खत्म कर दिया गया था तो आप लोग कहां थे? जब आपके दरवाजे में वोट मांगने के लिए है तो आप उनसे पूछे कि जब आदिवासी समाज अपना खेती बाड़ी छोड़ करके सड़क पर उतर करके आंदोलन कर रहा था तब आप कहां थे? और मैं उन आदिवासी भाइयों से मैं आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जानते हैं पूरा सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग पांचवी अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें आदिवासियों को पुरुष शासन का अधिकार है, जिसके बदौलत हमारे समाज के सरपंच डीडीसी पीडीसी बनते हैं जाति प्रमाण पत्र के बदौलत, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारे जो संवैधानिक अधिकार है पार्टी अनुसूचित क्षेत्र उसमें स्थानीय भर्तियों में हमारे स्थानीय मूल निवासियों को 100% आरक्षण हुआ करता था, लेकिन कुछ दागेबाज लोगों के कारण भी आज हम उस अधिकार से वंचित हो गए हैं। और हमारे जो सरगुजा संभाग में स्थानीय भर्तियों में 100% आरक्षण था वो पुनः खत्म हो गया है। तो मैं सभी से आह्वान करना चाहूंगा कि आप सभी लोग घर से निकल करके तब तक आंदोलन करेंगे जब तक सरकार हमारे सामने झुक नहीं जाती है, भले ही क्यों ना सरकार बदलनी पड़े, क्यों ना आपको सरकार बदलनी पड़े, लेकिन अपनी मांग से हमेशा आगे रहना है। हमारे आदिवासी समाज हमेशा शांति प्रिय समाज है और बेवजह रोड पे आकर आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ता। आदिवासी समाज के साथ हो गया जिस प्रकार से दुर्भावना, आदिवासी समाज के साथ जिस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है वो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आरक्षण की मांग पर जो आदिवासियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है वो काफ़ी भव्य और विस्तृत रूप में किया जा रहा है, जो कि गांधी चौक में आज संपन्न हुआ। और हम इसी के साथ अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं। हमारे ब्लॉग में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और देखने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।